Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 83 as I'm going to start with unit 21, interjections. Students, please take out your English grammar book. Turn the page to page number 83 as I'm going to start with unit 21, interjections. Now students, in my last video I had completed the last poem, that is poem 5, Daisies of your Wordsworth English Reader book, and I'm sure all of you must have completed all the taught exercises, word meanings, question and answers and writing sections in your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Students, please do learn and revise the taught lessons of Wordsworth English Reader book. And today I'm going to start with unit 21, that is interjections. Now students, first of all, you must know what interjections are. Fine. Suppose students, if you are touching a plant and a thorn pricks you. अगर आप किसी भी पेड़ को छू रहे हो और आपको उसका एक कांटा चुभ जाता है तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकलता है? आउच, आउच निकलता है कि नहीं? वाई आउच क्यों निकला? क्योंकि आपको कोई चीज पियर्स की, चुभी और आपको पेन के कारण आपके मुंह से क्या निकला? आउच, है ना? आपके मुंह से क्या निकला? आउच. क्या निकला बेटा? आउच. फाइन. ये आपको पेन निकलता. सपोज You are watching the TV and suddenly आपको मैच देख रहे हो और आपकी टीम ने मैच जीत लिया तो आपके मुंह से क्या निकलता है? है ना? हुर्रा निकलता है कि नहीं? हुर्रा, we have won the match. ठीक है? Now suppose you see a beautiful rose flower. आपने एक खूब सुंदर सा एक फ्लावर देखा तो रोज फ्लावर को देख के आपके मुंह से क्या निकलता है? वाव निकलता है कि नहीं? वाव. सो ये वाव. अब हमारी जो फीलिंग्स हैं, है ना, हैप्पीनेस की, पेन की, या कोई अगर हम कोई सैड देखते हैं तो उसे निकलता है ना अल्लास, है ना? तो ये जो वर्ड्स हैं जो हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और जिनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. हम पेन में हैं और हमारे मुंह से आउच निकला तो ये हमारी दर्द वाली फीलिंग, पेन वाली फीलिंग है, है ना? वी आर एक्साइटेड किसी चीज के लिए तो हमारे मुंह से निकला, है ना, हुर्रा, ये हमारी हैप्पीनेस वाली फीलिंग है. हम किसी चीज, बहुत ब्यूटीफुल चीज को देखे तो वी वॉन्ट टू एंजॉय द ब्यूटी तो हमारे मुंह से निकला वाव, है ना, है ना? तो ये जो वर्ड्स जो उनसे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, है ना? और वो वर्ड्स जिनसे हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. और वो फीलिंग्स कौन सी हो सकती है? सरप्राइज की, है ना? आप घर गए, सपोज आपके लिए एक मम्मी ने सरप्राइज केक बना रखा है, पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो यू आर सरप्राइज, है ना? आपके मुंह से निकलेगा वाओ घर जाके, तो सरप्राइज वाली फीलिंग है ना. यू आर एक्साइटेड, हैप्पी, यू हैव वन समथिंग, हुर्रा, हैप्पीनेस वाली फीलिंग है ना. देन पेन, दर्द हुआ, आउच वाली फीलिंग है. समबडी स्लीपिंग तो मम्मी बोलती ना दैट इज व्हाट, साइलेंस वाली फीलिंग. सो वो वर्ड्स जिससे हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस हो वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. फाइन. इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस. फाइन. आई लाइक द डेफिनेशन आल्सो. इंटरजेक्शन एक्सप्रेस आर सडन फीलिंग्स, हमारी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं बेटा? इंटर
objections. Clear? Interjections are the words which express sudden feelings and emotions. Now, suppose आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो आपको बोला ब्रावो, यू डिड वेल. ब्रावो, यू डिड वेल. सो व्हाट इज दिस ब्रावो? ये ब्रावो क्या है? दिस ब्रावो इज इंटरजेक्शन, है ना. ये ब्रावो एक्सप्रेस कर रहा है किसी की फीलिंग कि वो किसी को प्रेस कर रहा है ना. सो ये ब्रावो क्या है? दिस इज इंटरजेक्शन. आन स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर, जो इंटरजेक्शन होता है वो हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में, सेंटेंस के शुरू में आता है. अभी आई बी एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल्स एंड यू शुड नो कि इंटरजेक्शंस ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो मार्क है इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं और ये मार्क हमारी फीलिंग्स जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं उनके बाद हमेशा आते हैं. तो अभी आपको ये तीन चीजें याद रखनी. व्हाट आर इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शंस आर दी वर्ड्स दैट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशंस. इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स हैं जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं. देन द सेकेंड थिंग्स, इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना. सेकेंड क्या है कि इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड थर्ड थिंग टू रिमेम्बर इज इंटरजेक्शंस ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस है उसके शुरू में ही बेटा हमेशा इंटरजेक्शंस आएंगे. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. इंटरजेक्शंस ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस आर फील सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस. फाइन. सो आई होप सबको ये तीन बातें याद रहेंगी कि वॉट आर इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस आर दी वर्ड्स दैट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशंस. देन इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क. इस मार्क को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. ये आपको याद रखना है, ठीक है. इंटरजेक्शन के बाद हमेशा कौन सा मार्क आता है बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. और इंटरजेक्शन हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में ही आता है. आई होप अभी सबको याद रहेगा व्हाट आर इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस आर दी वर्ड्स दैट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशंस. देन सेकेंड, इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड थर्ड, इंटरजेक्शंस ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. आई होप सबको ये याद रहेगा. नाउ आई एक्सप्लेन दिस विद सम एग्जांपल्स. अब मैं आपको कुछ पहले एग्जांपल समझाऊंगी, देन आई स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. नाउ द एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन. नाउ If you look at this picture, what can you see in this picture? This is the picture of a rose. So, आपने suppose कहीं एक beautiful rose flower देखा, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? Wow, what a beautiful, what a beautiful rose. It is. What a beautiful rose it is. है ना? आपने कोई भी सुंदर चीज देखी, यहाँ पे हमने एक रोज देखा है, तो हमारे मुंह से जो वर्ड निकला है what is that? Wow. तो ये wow क्या है? What is this wow? ये wow एक interjection है. ये sentence के beginning में आया है. इसके बाद क्या है? Exclamation mark है. और ये हमारी जो एक फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा है. सो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इट इज. देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. हुर्रा, हुर्रा. वी हैव वन द मैच.
मैच, सपोज आप लोग मैच खेल रहे हो और आप मैच जीत जाते हो, तो आपके मुंह से इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी दिस चिल्ड्रन हैव वन द मैच, इनके मुंह से क्या वर्ड निकला, हुर्रा, वी हैव वन द मैच. तो ये हुर्रा क्या है, दिस इज एन इंटरजेक्शन, इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है और ये आपकी एक्साइटमेंट की फीलिंग शो कर रहा है. देन थर्ड एग्जाम्पल, द बेबी इज स्लीपिंग, यू कैन सी इन द पिक्चर, बेबी इज स्लीपिंग, सो क्या इंटरजेक्शन यूज किया गया है, शी विच इंडिकेट्स नॉट टू मेक एनी noise, है ना. So what is this? This is again interjection. Then the fourth picture you can say, यहाँ पे girl is sad. Why? Why she sad? Because her cat is missing. So the baby is sleeping. यहाँ पे क्या है? This is again interjection. And then the fourth one is, you can see in the picture, the girl is thinking about the cat who is missing. The girl is sad. So, जब हम sad होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? Alas, alas, my cat is missing. So, my cat is missing. ये अलास क्या है? This alas is again interjection. Alas, my cat is missing. ये अलास क्या है? This is interjection. This shows the feeling of your sadness. कि आप sad हो, तो ये आपका word alas interjection है. ये sentence के beginning में आया है, इसके बाद exclamation mark है, और ये आपकी sadness की feeling express कर रहा है. Then the fifth interjection is ouch. Ouch. I cut my finger. कभी finger कट जाती है या कोई चीज आपको चुभ जाती है ना, आपको कोई pinch करता है, आपके मुंह से कौन सा word निकलता है? Ouch. What is ouch? Ouch is again interjection expressing the feeling of your pain. आपकी pain को कौन सा word express कर रहा है? Ouch. So ouch is the interjection. Fine. So the words hurrah, bravo, shh, alas, ouch, hello, ये सब क्या है? Interjection है. They express sudden feelings. ये हमारी sudden feelings एक्सप्रेस करते हैं. और वो फीलिंग्स कौन सी होती हैं? ये फीलिंग्स हमारी जॉय की, वंडर की, सरप्राइज की, प्रेज की. प्रेज मतलब कोई आपको तारीफ कर रहा है, या सडन ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख की. सो ये जो वर्ड्स हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, वंडर, सरप्राइज, ग्रीफ, है ना, इन सब की जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? इंटरजेक्शंस. नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, which is match, which is based on match the interjections with the feelings they express. आपको interjections को match करना है और वो feelings जो वो express करते हैं. Fine. Now exercise 1, match the interjections, match the interjections with the feelings they express. कौन से इंटरजेक्शंस कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं? फर्स्ट में क्या दिया है? अलास. देन द सेकेंड इज ब्रावो.
The third is ouch. The fourth is हुर्रा. ये फोर यहां है और इस साइड राइट साइड में जो वर्ड्स हैं, ए इज सडन पेन, देन बी इज सडन जॉय, सी इज सडन प्रेज and D is sudden grief. Grief मतलब दुख. Fine. अब आपको सबसे important है इन words के meaning पता होना. इन words के meaning बताओगे तभी तो आप ये interjections use कर सकते हो. Now, alas. Alas का मतलब क्या होता है? है ना, अलास हम कब यूज करते हैं? जब हम, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा, वो गर्ल की कैट मिसिंग थी और वो गर्ल अपनी मिसिंग कैट के बारे में सोच रही थी, शी वॉज सैड, है ना. वो गर्ल सैड थी अपनी मिसिंग कैट के बारे में, सोच रही थी कि कैट वॉज मिसिंग. किसी का हम एक्सीडेंट देखते हैं, कुछ दुख होता है हमको, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अलास. अलास Expresses your sudden grief. हमारा दुख, हमारा pain किस word से express होता है? Alas. So alas means the feeling of sudden grief, feeling of sadness, unhappiness, दुख, उसको हम alas. So हम यहाँ पे इसमें number one डालेंगे alas. You want, you can match this also. So alas means sudden grief. Grief का मतलब होता है दुख, है ना, कि कोई भी चीज, है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं? अलास. इफ यू सी एन एक्सीडेंट या कोई भी बुरी चीज हम देखते हैं जिससे हमको दुख हो रहा है, उसके लिए हम अलास यूज करते हैं. एंड ग्रीफ मीन्स द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, सैडनेस, दुख वाली जो फीलिंग है. फाइन. देन ब्रावो. ब्रावो कब बोलते हैं? जब कोई अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ करते हैं, तो प्रेज करना मीन्स तारीफ करना. सो ब्रावो इज सडन प्रेज. सो यू कैन मैच दिस विद दिस. ब्रावो इज सडन प्रेज. ब्रावो सडन प्रेज. देन आउच. आपको किसी ने पिंच किया, आपको कोई नेडल प्रिक, इंजेक्शन लगता है, तो मुंह से क्या निकलता है? आउच निकलता है कि नहीं? तो जब हम पेन फील करते हैं, हमारी जो पेन की फीलिंग्स होती हैं, उसको कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करता है? आउच. सो द थर्ड वन इज आउच विच एक्सप्रेसेस सडन पेन. फाइन. सो आउच एक्सप्रेसेस सडन पेन. देन हुर्रा. हुर्रा कब हम बोलते हैं? जब हम कोई मैच जीतते हैं, हमारी कोई जीत होती है, हम एक्साइटेड होते हैं. सो हुर्रा एक्सप्रेसेस सडन जॉय. फाइन. सो अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये इंटरजेक्शंस आप कब यूज कर सकते हो. फाइन. अलास क्या एक्सप्रेस करता है? जब आप बहुत सैड हो, कोई चीज जिसको देख के आपको बहुत दुख हुआ हो, है ना, पेन यू फील, यू कैन फील दैट पेन इन द हार्ट, तो उसके लिए, वो दुख एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे? अलास. ब्रावो कब यूज करेंगे? जब किसी की हमको तारीफ करनी हो, किसी को हमको प्रेस करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे? ब्रावो. देन आउच कब यूज करेंगे? जब हमको दर्द, पेन हो, हमको इंजेक्शन लगता है, कांटा चुभता है, नाइफ से कट जाता है, तब हम कौन सा वाला इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा? आउच. देन द फोर्थ वन इज हुर्रा. हुर्रा जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम जॉय एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? हुर्रा. फाइन. सो अलास एक्सप्रेसेस सडन ग्रीफ. ब्रावो एक्सप्रेसेस सडन प्रेज. Out expresses sudden pain and hurrah expresses sudden joy. I hope अभी सबको इसका meaning समझ में आ गया होगा.
फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड स्टार्ट विद एक्सरसाइज टू. एक्सरसाइज टू ऑफ यूनिट 21 इंटरजेक्शंस. एक्सरसाइज टू ऑफ यूनिट 21 इंटरजेक्शंस. नाउ एक्सरसाइज टू, लेट्स सी एक्सरसाइज टू में क्या करना है हमको. अंडरलाइन दी इंटरजेक्शंस, अंडरलाइन दी इंटरजेक्शंस इन दीज सेंटेंसेस. Now, what are we supposed to do? We need to underline the interjections in these sentences. कुछ sentences दिए हैं और उसमें हमको interjections को underline करना है. Fine. So, the first sentence is Hooray! We won the quiz. Hooray, we won the quiz. Fine. Hooray, we won the quiz. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था? Interjections always come at the beginning of the sentence. Interjections are always followed by exclamation mark. And interjection expresses our sudden feelings of emotions. है ना, हमारी sudden feelings or emotions express करते हैं. अब यहाँ पे इस sentence में Hooray, we won the quiz. कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है जो हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है और जो सेंटेंस के बिगनिंग में है. एंड द वर्ड इज हुर्रा. सो ये हमारा इंटरजेक्शन क्या हो गया? हुर्रे. हुर्रे वी वन द क्विज. तो हुर्रा क्या है इसका? इंटरजेक्शन. देन द सेकंड वन, ओ नो. ओ नो आर holidays. Oh no, our holidays are cancelled. Oh no, our holidays are cancelled. Fine. So now which is the interjection? किसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है? कौन सेंटेंस के बिगनिंग में आया है? कौन हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे? कौन से वर्ड्स? ओ नो, है ना. सो ओ नो क्या है बेटा? इंटरजेक्शन है. और ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दे कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड दे एक्सप्रेस आर सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो ओ नो क्या है? इंटरजेक्शन. देन नेक्स्ट थर्ड, मैम इज वॉचिंग यू. स्पेशली दिस हैपेंस इन द लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी में जाते हो एंड लाइब्रेरी में व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, है ना. और अब हम तो थोड़ी बहुत बात तो करते ही फ्रेंड से. सो हम अपने फ्रेंड से कुछ बोलते हैं, देन सडनली वन ऑफ आवर क्लासमेट्स सेज, मैम इज वॉचिंग यू. मैम देख रही है कि आप बात कर रहे हो, विच इज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी. सो ये वर्ड कौन सा है? ये क्या है? फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पे बात नहीं करनी है. मैम इज वॉचिंग यू, बी केयरफुल. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन इंटरजेक्शन. ये सेंटेंस के बिगनिंग में आया है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, है ना. और हमारी ये वर्ड्स हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन. फाइन. सो आई होप ये तीनों सेंटेंसेस सबने लिख लिए बेटा. नाउ द फोर्थ वन,
Now the fourth one is O. O, what a great news it is. Okay. O, उसे निकलता है कि नहीं? O, what a great news it is. निकलता है कि नहीं? So ये O, O के बाद exclamation mark, beginning of the sentence expressing our emotions and feelings, तो O क्या है? Interjection. हमारी जो words जो हमारे एकदम से मुंह से अचानक निकलते हैं और हमारी feelings express करते हैं वो क्या है? Interjections. और आपको ये याद रखना है, again and again I'm repeating, कि interjections they always come at the beginning of the sentence. They are always followed by exclamatory mark. देखो सब में exclamation mark लगा हुआ है. And these words they express our sudden emotions and feelings. So ये oh what a great news it is, है ना? कुछ भी excitement वाली news एकदम से सुनने को मिलती तो क्या निकलता है? Oh. So what is this oh? This is again interjection. Then suppose आपने बहुत अच्छा performance किया exam में, so टीचर क्या बोलती है? ब्रावो, कीप इट अप, होती है कि नहीं? ब्रावो, कीप इट अप, है ना? कीप इट अप मतलब ऐसे ही और अच्छा करते रहो और आगे बढ़ते जाओ. सो ये ब्रावो क्या है जो टीचर बोल रही है? ब्रावो, कीप इट अप, है ना? टीचर लिखती भी है, आपको प्रेज कर रही है, आपकी तारीफ. सो वो वर्ड जिससे आपकी प्रेज हो रही है, आपका प्रेज एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाट इज दैट? ब्रावो. सो व्हाट इज ब्रावो? ब्रावो इज अगेन इंटरजेक्शन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. फाइन. सो अभी वो वर्ड्स जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, कौन कौन से इमोशंस? हैप्पीनेस के, सैडनेस के, सरप्राइज के, एक्साइटमेंट के, पेन के, ये सारे वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन. फाइन. नाउ द लास्ट सेंटेंस दैट इज वाओ. वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज. वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज. और ये वाओ क्या है? आपकी जो फीलिंग, कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है? फीलिंग ऑफ सरप्राइज, कि मतलब कितनी सुंदर चीज है ना? सो व्हाट इज दिस वाओ? दिस इज अगेन इंटरजेक्शन. सो वाओ, यहाँ पे कोई चीज बहुत सुंदर आपको दिखी, है ना, जिससे मन देख के एकदम खुश हो गया, आपके मुंह से एकदम से अचानक से क्या निकलता है? वाओ. सो व्हाट इज दिस वाओ? वाओ इज इंटरजेक्शन. सो फाइन स्टूडेंट्स, अभी मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा. फाइन, लेट्स रिवाइज दिस एक्सरसाइज टू. द फर्स्ट वन इज हुर्रा वी वॉन्ट द क्विज. इसमें जो वर्ड इंटरजेक्शन है वो क्या है? हुर्रा, हमारी एक्साइटमेंट, हमारी विक्ट्री की फीलिंग ये एक्सप्रेस करता है. So underline hurrah, hurrah is the interjection. The second one, oh no, our holidays are cancelled. हमारा एक सडन शॉक लगा, दुख वाला शॉक. अरे छुट्टी, बहुत सारी प्लानिंग थी, छुट्टी कैंसिल हो गई, तो मुझसे क्या निकला? Oh no. So what is this oh no? Oh no क्या है? Again interjection. Then the third one, shh, ma'am is watching you. ये जो shh है, what is this? This is interjection. Objection. Then the fourth one. Oh, what a great news it is. So ye oh kya hai? Interjection. Fifth, bravo, keep it up. Ye bravo kya hai? Interjection. And sixth is wow, what a beautiful painting it is. Isme interjection kaun sa hai? Wow. Now you can see all these interjections, they are followed by exclamation mark, hai na? Aur ye sare interjections kahan hai? Sentence ke beginning mein. So you need to keep in mind कि interjection के हमेशा बाद आपको exclamation mark लगाना है, और interjection जो है sentence के beginning में आते हैं. I hope now exercise 1 and 2 are
क्लियर टू यू. सो विद दिस स्टूडेंट्स आई एंड टूडेज वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे अहेड.